मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं गिटार विजार्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूजिक के एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसको हम मोड्स के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको मेजर स्केल की बिल्कुल अच्छे से समझ होनी चाहिए। और जैसा मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंग्लिश म्यूजिक की जो थ्योरी है उसमें कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ डायनामिकली मूव होता है। और पिछले वीडियोस में एक रिक्वेस्ट भी मेरे पास आई है कि जो म्यूजिक के मोड्स होते हैं उनसे रिलेटेड इंडियन म्यूजिक में कौन कौन से थाट होते हैं, तो उसकी एक एनालॉगी मैं आपके सामने लेके आऊँ, तो वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गिटार बजाना सीखिए, गाने बजाना नहीं सीखिए। अगर गिटार बजाना सीख जाएंगे तो गाने ऑटोमेटिक ही आप बजाने लग जाएंगे। सबसे पहले मोड्स का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल जो स्केल के बीच के डिफरेंसेस होते हैं वो आपको एक बार रिकॉल करा दूं। तो डिफरेंस होता है टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन, यानी कि जिसको हम यूज करके एक मेजर स्केल बजाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये मैंने आपको जी मेजर स्केल बजा के सुनाया, लेकिन एक्चुअल में जी मेजर स्केल या कोई भी मेजर स्केल मोड्स के हिसाब से होता क्या है? तो हमारे पास किसी भी एक ऑक्टेव में 7 सुर होते हैं और 7 सुर के बीच में 6 इंटरवल्स हो गए। तो जो सुर स्टार्ट जहां से हो रहा है तो वो पॉइंट हो गया, मान लेते हैं जी। जी के बाद आया ए बी सी डी ई एफ शार्प जी, ये होता है जी मेजर स्केल। और इसको मोड्स की भाषा में हम आयनियन स्केल भी बोलते हैं, यानी आयनियन मोड कहलाएगा। मोड्स हमारे पास मेजरली 7 है। तो मोड्स एक्चुअल में ओरिजिनेट कहां से हुए हैं कि जब हम इन्हीं इंटरवल को फिक्स रखते हैं और जो रूट नोट होता है सिर्फ उसको बदल देते हैं तो वो हमारा एक मोड बन जाता है। कैसे? अभी रूट नोट है ये जी और इंटरवल है टोन टोन सेमी टोन 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 सेमी टोन, तो ये बना आयनियन मोड, यानी कि जिसको हम नॉर्मल भाषा में मेजर स्केल भी बोलते हैं। अब इसी जी मेजर के स्केल का जो पैटर्न है उसको यूज किया जाए और इसे यहां से प्ले किया जाए, यहां से ना प्ले करके इस नोट को रूट नोट ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा डोरियन मोड। ये हो गया डोरियन मोड। अब इसी पैटर्न को यूज किया जाए और इसे यहां से प्ले किया जाए, तो ये हो गया आपका फ्रीजियन मोड। अब इसी पैटर्न को यूज किया जाए और इसे यहां से प्ले किया जाए, तो ये कहलाएगा लीडियन मोड। अब इसी को यहां से प्ले किया जाए तो कैसे बनेगा? ये आधा सुनने में बिल्कुल मेजर स्केल की तरह लग रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मोड की, जो है एयरलीन मोड। एयरलीन मोड कैसे प्ले करेंगे? एयरलीन मोड आपको सुना सुना लग रहा होगा और ये सुना सुना इसलिए लग रहा है क्योंकि ये है नेचुरल माइनर स्केल। अब बात करेंगे नेक्स्ट मोड की, जो है लोक्रियन मोड। तो लोक्रियन मोड स्टार्ट होता है,
आपने जो भी सॉन्ग सुने हैं जिसमें ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर के बाद ई मेजर कॉर्ड आती है, तो आपको लगता होगा कि ये जो नोट आया है उसकी वजह से यहाँ पे ई मेजर आई है कॉर्ड। तो एक्चुअल में ये फ्रिजियन स्केल होता है जिसकी वजह से यहाँ पे ई मेजर कॉर्ड आती है। तो किस मोड में कौन सी कॉर्ड यूज होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। और मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि इस तरह की वीडियो हिंदी में अभी तक आपको कहीं पे भी नहीं मिली है, और मैं आपके लिए ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन ही शेयर करने के लिए लेके आता हूं जो इन्फॉर्मेशन आपको सरल भाषा में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। कोई भी गिटार टीचर आपको ये चीजें नहीं बताएगा, इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन एकदम आपकी मदर टंग में आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को इन केस आपने नहीं किया हुआ है, और आपकी जो भी गिटार रिलेटेड रिक्वेस्ट है वो मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मोड्स कैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो थाट होते हैं जिनसे राग निकले हैं उनसे कैसे रिलेट हुए हैं। तो कीप वॉचिंग गिटार विजार्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।